Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 1 of chapter 1 of NBF Biology 11. Today we are going to learn about the basic concept of cell and cell theory. Is lecture mein jo hamare learning objectives honge, inshallah is lecture ke ikhtitam tak आप सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हो सकेंगे, और इसके अलावा हम आज के लेक्चर में इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी और उसके जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड व्हाई इट इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को कहने की वजह यह है कि हमारी बॉडीज के अंदर सेल्स एक्चुअली कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज से आगे चलकर फिर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली कंप्लीट या होल ऑर्गन में डेवलप करते हैं. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बन रही है. सेल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली द होल इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म. तो चूंकि सेल ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग अप के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, देयर फोर सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसी तरह से व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो फंक्शनल यूनिट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस आपको लाइफ से रिलेटेड नजर आते हैं, ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू लाइफ, तो ये तमाम फंक्शंस जो लाइफ से रिलेटेड हैं, उन तमाम फंक्शंस को एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है. मिसाल के तौर पर जैसे रिप्रोडक्शन है, तो सेल भी रिप्रोड्यूस करता है, एक ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन की तरह यहां पर अगर हम देखें ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अगर जिक्र किया जाए, तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर रहा है. बिल्कुल इसी तरह से सेंसिटिविटी, ये ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, बल्कि ये प्रॉपर्टी आपको एक सिंगल सेल में भी मिलती है. और इसी तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, एक्सक्रीशन परफॉर्म करना, तो ये इस तरह के इवेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग बींग में परफॉर्म होते हैं, और ये सभी इवेंट एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करते हैं. सिंस ऑल द फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय द होल इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, देयर फोर द सेल इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह से हम ये सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करते हैं. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यूं पूछे जा सकते हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज दैट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब इसमें देखिए ऑप्शन कि अ सेल कंटेन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स, इस वजह से सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है. हमने यहां पे चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस बात को जस्टिफाई कर रही है, इस बात को सेटिस्फाई कर रही है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट. तो सेल कंटेन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स, या सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या द सेल हैज जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो अगर यहां पर बात पूछी जाती है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल, ठीक है, इस तरह से अगर ये पूछा जाता फिर तो हम कहते हैं कि ऑल ऑफ देम आर करेक्ट अबाउट द सेल, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो सेल के मुतालिक गलत हो. लेकिन हमने ये नहीं चूज करना कि इनमें से कौन सी बात सेल के मुतालिक सही है या कौन सी बात गलत है. एक्चुअली आप स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, यहां पर हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर सेटिस्फाई कर रही है. तो अब आप इसमें गौर कीजिए, तो हमें यह महसूस होता है कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारी बॉडीज के अंदर सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से
ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गन से, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर होल इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इस वजह से जो राइट आंसर यहां पे बनता है वो ये बी ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज दैट द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट, अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि अ सेल इज स्पेसिफिक टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसा दुरुस्त है कि सेल इज स्पेसिफिक टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, लेकिन क्या इसकी वजह से सेल को फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट कहा जाता है या फिर अ सेल इज फंक्शनली यूनिक, तो ये बात भी अगरचे दुरुस्त है लेकिन क्या ये बात इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस विच कैन बी परफॉर्म बाय द होल ऑर्गेनिज्म। तो अभी मैंने आपको ये बात डिमॉन्स्ट्रेट की थी कि जितने भी लाइफ से रिलेटेड फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशन हासिल करना हो, एक्सक्रीशन हो या फिर गैस एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन, तो ये जितने भी फंक्शन एक लिविंग बींग से रिलेटेड है, ऑल दोज फंक्शंस कैन आल्सो बी परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। तो ये वाली जो बात है ये सबसे ज्यादा सुटेबल है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट द सेल इज फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिहाजा यहां पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ये सी होना चाहिए। और यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल, तो हम कहते हैं कि भाई ऑल ऑफ देम आर करेक्ट अबाउट द सेल, लेकिन यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछी गई बल्कि आपसे यह पूछा गया है कि आप यहां पर वो स्टेटमेंट बताएं जो बेस्ट सेटिस्फाई कर रही है दैट सेल इज फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है वो सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी सेल बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बगैर बायोलॉजी का तस्वर नहीं हो सकता, क्योंकि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इसी चीज को सेल थ्योरी कहा जाता है। तो सेल थ्योरी किस तरह से ओरिजिनेट हुई और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं उनको यहां पे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने हिस्टोरिकली इन चीजों को अरेंज किया है कि सेल थ्योरी किस तरह से इमर्ज हुई और उसकी फर्दर जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है। देखिए, सेल थ्योरी का जो आगाज है ना, ये उस वक्त से ही होता है जब सेल डिस्कवर हुआ था, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सेल से सेल थ्योरी का आगाज हो जाता है। और ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल है ये किसके सर जाता है इसका सहरा, तो 1665 में रॉबर्ट हुक नामी एक शख्स ने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर थिन पीस ऑफ कॉर्क को जब स्टडी किया तो उसने देखा कि ये जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है उसके अंदर यू हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो इन हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को उसने सेल का नाम दिया। तो एक्चुअली ये जो वर्ड सेल है उसने ड्राइव किया था सेलूला से, वर्ड सेल इज ड्राइव फ्रॉम सेलूला, और सेलूला का मतलब क्या होता है, सेलूला का मतलब होता है बॉक्स और कंपार्टमेंट। ठीक है, बॉक्स और कंपार्टमेंट, क्योंकि रॉबर्ट हुक को जो इस तरह से ये बॉक्स या कंपार्टमेंट्स नजर आए थे ये बिल्कुल यू एम्प्टी स्ट्रक्चर्स थे, जैसे बॉक्स या कंपार्टमेंट्स बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इस वजह से इन एम्प्टी स्ट्रक्चर्स को उसने सेलूला कहा या फिर बाद में फिर इससे टर्म सेल ड्राइव हो गई। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिफाइन कुछ इस तरह से किया था कि सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स। तो ये सबसे जो पहली डेफिनेशन है सेल की अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट हुक वो ये है कि सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज की थी उस माइक्रोस्कोप में सेल की इंटरनल डिटेल का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, इस वजह से सेल्स को एम्प्टी स्पेसेस के तौर पर डिफाइन किया गया। बहुत अरसे तक सेल के मुतालिक और कोई डिटेल पता ना चल सकी। उसकी मेन वजह क्या थी, उसकी मेन वजह यह थी कि माइक्रोस्कोपी के अंदर कोई खातिरख्वाह डेवलपमेंट ना हो सकी। असल में जो सेल की डिस्कवरी है वो भी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ लिंक की जाती है। जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक सेल की डिस्कवरी भी पॉसिबल नहीं हुई थी। तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन भी ये 1665 के आसपास ही हुई थी और इसी वजह से फिर ये 1665 में सेल को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो सका। सेल की ये जो अर्ली डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक ने उसे एक पब्लिकेशन में पब्लिश किया था, उस पब्लिकेशन का नेम है माइक्रोग्राफिया। तो आपने ये माइक्रोग्राफिया टर्म भी याद रखनी है, समटाइम एमसीक्यूज में ये बात भी पूछी जाती है। और अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट हुक
सेल की अर्ली जो डेफिनेशन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी आप याद रखिए, और ये सेल किस वर्ड से ड्राइव हुआ है ये भी आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू से रिलेटेड बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद फिर चूंकि काफी अरसे तक सेल के अंदर फर्दर किसी डिटेल का पता ना चल सका, तो 1805 में लॉरेंस ओकेन ने सेल के मुतालिक एक स्टेटमेंट पास की। उसका ख्याल ये था कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल्स। और कुछ ही अरसे के बाद 1809 में लैमार्क ने इसी से मिलता जुलता एक और आइडिया पेश किया, नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल रेलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि इन स्टेटमेंट्स के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं था तो इस वजह से इन स्टेटमेंट्स को इतनी रिकग्निशन ना मिली। लेकिन 1831 में एक और कंट्रीब्यूशन हमारे सामने आता है कि रॉबर्ट ब्राउन नामी एक शख्स ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया, और इस तरह से हमें यह पता चला कि सेल्स आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस, सेल्स कंटेन अ राउंडेड बॉडी इनसाइड द सेल नोन एज न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में हुई, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ ही जो अर्ली डेफिनेशन ऑफ सेल थी कि सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल, तो वो डेफिनेशन भी डिस्कार्ड हो गई। अब हम कह सकते थे कि सेल्स आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस, दे ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस इनसाइड इट। बहरहाल 1838 और 1839 में बिलतरतीब ये एक बोटेनिस्ट श्लाइडन और एक जोलॉजिस्ट श्वान ने अलग अलग रिसर्च करते हुए प्लांट्स और एनिमल्स के मुतालिक ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हालांकि ये वाली जो बात है इससे पहले लॉरेंस ओकेन और लेमार्क भी कर चुके थे, लेकिन चूंकि उनकी बात के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं था तो इस वजह से उसको इतना ज्यादा रिकग्नाइज नहीं किया गया था। लेकिन श्लाइडन और श्वान की ये जो बात थी उसको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली, और इस तरह से सेल थ्योरी अपनी इब्तदाई शक्ल में हमारे सामने आई, और इसकी वो जो इब्तदाई फॉर्म है इनिशियल स्टेट ऑफ सेल थ्योरी, उसके मुताबिक सेल थ्योरी क्या है कि ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। श्लाइडन और श्वान का एक और कारनामा यह था कि इन लोगों ने सेल्स के जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं उनको भी रिपोर्ट किया। इन्होंने ये बताया कि ऑल सेल्स फंडामेंटली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, और उन थ्री पार्ट्स में एक पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म, और तीसरा पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। और सेल वॉल के मुताबिक उनका यह ख्याल है कि एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल के पास मौजूद है लेकिन एनिमल सेल के पास मौजूद नहीं है। तो इस तरह से श्लाइडन और श्वान ने ना सिर्फ सेल थ्योरी की जो इनिशियल स्टेटमेंट है उसको साबित किया, बल्कि इन्होंने अपनी रिसर्च में ये जो सेल्स के फंडामेंटल पार्ट्स हैं इनको भी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया। उसके बाद फिर सेल स्टडीज के हवाले से एक बकायदा ब्रांच स्टैब्लिश होगी जिसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है, और इसके अंदर मजीद रिसर्च का आगाज हुआ। और जो सबसे पहला मेजर कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है अबाउट सेल वो है रोडोल्फ वर्षो का। तो रोडोल्फ वर्षो ने 1855 के अंदर यह क्लेम किया कि न्यू सेल्स अराइज बाय द डिविजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। हालांकि जिस दौर में रोडोल्फ वर्षो ने यह कॉन्सेप्ट प्रपोज किया उस वक्त एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर था बायोलॉजी के अंदर, उसे कहा जाता है एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब यह है कि लोग यह समझते थे कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो सकती है, हालांकि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस वक्त के कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मिस्टेकन एक्सपेरिमेंट्स में इस बात को साबित करने की कोशिश की थी कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो सकती है, लेकिन जल्द ही ये बात डिस्प्रूव हो गई क्योंकि लुइस पाश्चर नामी एक शख्स ने 1862 में इसका जो अपोजिट कॉन्सेप्ट है यानी बायोजेनेसिस उसको इसने प्रूव किया था, और इस तरह से यह बात कंफर्म हो गई कि लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऑलरेडी जो लिविंग थिंग्स मौजूद होती हैं उन्हीं से लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। तो जब बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया, तो इस तरह से ये जो रोडोल्फ वर्षो का ये पॉइंट था इसको भी कंसिडर कर लिया गया, यानी न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज बाय द डिविजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरह से सेल थ्योरी में अब एक और पॉइंट ये एड हो गया। ऑलरेडी आपको मैंने बताया एक पॉइंट All living beings are composed of cells, और अब ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये वर्षों की स्टेटमेंट है, ये भी सेल थ्योरी का बकायदा पार्ट बन गया।
अच्छा, बहरहाल इसके बाद सेल के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि बकायदा अब एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इस्टेब्लिश हो गई थी जिसे साइटोलॉजी या फिर इसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो इस साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में सेल के हवाले से मुख्तलिफ तरह की रिसर्च परफॉर्म होने लगी। तो उसके बाद ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन भी सामने आई, एक लिविंग बींग या एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि लिविंग बींग इज अ केमिकल ऑर्गेनाइजेशन composed of cells and capable of reproduce itself। इसके बाद एक और मेजर कॉन्सेप्ट जो सेल बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, सेल थ्योरी की डेवलपमेंट में उसको इंक्लूड किया जाता है, वो है ऑगस्ट वीसमैन का कॉन्सेप्ट। 1885 के अंदर ऑगस्ट वीसमैन ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से सेल्स के कॉमन ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट पहली बार प्रपोज किया था वो ये 1885 में ऑगस्ट वीसमैन ने यूं प्रपोज किया। तो इस तरह सेल थ्योरी की डेवलपमेंट हुई और अब आजकल सेल थ्योरी हमारे सामने जिस शक्ल में मौजूद है उसमें आपको ये तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट, न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। और फिर तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो हम सेल की डेफिनेशन करते हैं कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये जो प्रेजेंट डे फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी वो इन तीन स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.